और जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर वैकेंसियों का जो भाई सेशन चला हुआ था वो लगभग पूरा हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि जो पुरानी वैकेंसियां थी, जैसे कि भाई 56-57 जेई कलर्क हरियाणा पुलिस, सभी का रिजल्ट आप सभी बच्चे देख रहे हो कि क्लियर हो चुका है। अब सभी बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन है, वो क्या है? वो ये है कि सर आगे भर्ती आएंगी या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता देता हूं कि जिस बच्चे का किसी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसको मायूस नहीं होना है, जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी है, मौके बहुत आएंगे, वैकेंसियां आती जाती रहती है, कोई गलत कदम नहीं उठाना बच्चे। और रही बात वैकेंसियों की, तो वैकेंसियों का क्या मेरे भाई, वो सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने हिम्मत सिंह जो अपने एचएसएससी चेयरमैन, उन्होंने बोल दिया है, सारे के सारी बातें दिखाएंगे आपको। तो सीधी सीधी बात है भाई, जो सरकार जो है वो किस रूप में है वो देख लीजिए। सरकार नया सीईटी लेने की तैयारी में, यस सर। तो जो सरकार है प्यारे बच्चों, वो दिसंबर में नया सीईटी लेने जा रही है, और इस सीईटी के तहत दिसंबर में जो सीईटी होना है, इसके तहत आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, ड्राइवर की वैकेंसियां भी आएगी, ड्राइवर की आएगी, और कंडक्टर की वैकेंसियां आएंगी, फायरमैन आएंगे, क्लियर है, हरियाणा पुलिस आएगी, और भी बहुत सारी वैकेंसियां भाई, MPHW आएगा, ठीक है, ALM आएगा, यानी कि ये सारी की सारी वैकेंसियां दोबारा से आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार वैकेंसी आ गई तो बंद हो गई। तो सभी बच्चों के माइंड में कब होगा सीईटी, तो सीईटी को अगर कब होने की बात कही जाए तो वो दिसंबर में आपका सीईटी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दिसंबर की अगर बोल रहे हैं तो जनवरी के आसपास तक, जनवरी तक आपका जो सीईटी है वो होने के 100% चांस है। क्वालिफाई होगा या वही रहेगा, इसकी बात कर लेते हैं बच्चे। क्वालिफाई होगा या वही रहेगा, इस बात की बात पे हमें एक बात सोचनी है कि सर सीईटी जो है वो क्वालिफाई होगा या नहीं, यानी कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा प्यारे बच्चे। ऐसा नहीं है कि जैसा इन्होंने पहले कर रखा था कि सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी, वही प्रोसेस तो रख ही नहीं सकते ये, क्लियर है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि पीछे वाले सीईटी में कितनी कमियां थी, तो उन कमियों को देखते हुए चेंज जरूर होगा कुछ ना कुछ। अगर इसमें चेंज होता है वो हमें पता भी नहीं मेरे भाई कि चेंज क्या होगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है ये क्वालिफाई तो नहीं होगा, लेकिन ये 4 गुना वाला जो नियम है भाई प्यारे बच्चे, ये लागू रहेगा या नहीं, तो ये 4 गुना वाला जो नियम है ये लागू नहीं रहेगा, ये क्लियर है। इसकी जो 4 गुना है ये संख्या बढ़ा दी जाएगी, 8 गुना 10 गुना 15 गुना, ये वो अपने हिसाब से कुछ भी कर दे, क्लियर है। तो इन सब बातों के बाद आगे देखिए, थोड़ा चल के देख लेते हैं। जो माननीय हिम्मत सिंह है भाई हमारे एचएसएससी के चेयरमैन, उन्होंने पोस्ट की है जस्ट ना हो, ये दिया क्या है, असफल होना हार नहीं है लेकिन असफल होकर फिर कोशिश न करना हार है। यानी कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि असफल होना हार नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग भी समझते हो तो प्रिया भर्ती परीक्षा में असफल होने पर मेरे प्रति संवेदना अच्छी बात है, आप सभी मेहनत और समर्पण हमारे लिए सराहना करते हैं, प्रिय अभ्यर्थियों आप सभी को इस विफलता से मायूस नहीं होना, देखिए ये लिख रखा मायूस नहीं होना, बल्कि विफलता के अनुभव को आधार बनाकर भविष्य में आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाना है। तो यानी कि भाई भविष्य में, यानी कि इन्होंने कुछ इशारा कर दिया है कि तैयारी में लग जाओ, वैकेंसियां 100% आएगी, और सीईटी जो होने वाला है, और बताया गया है कि दिसंबर में सीईटी हो जाएगा। अब सीईटी में प्यारे बच्चों देखिए, बच्चों के माइंड में एक बात चल रही है कि सर सीईटी होगा तो सीईटी में क्या करना चाहिए, सिलेबस का आपको पता है, सिलेबस अब की बार भी सेम रहने वाला है उसका, और रही बात सिलेबस के बाद स्कोर की, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मत सोचना कि सर ये भाई क्वालिफाई नेचर होगा, क्या होगा, क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई नेचर के चक्कर में रहोगे तो दिक्कत होगी। कम से कम अपना स्कोर मेरे प्यारे बच्चों 70+ करने की कोशिश करना, यानी कि अब वो घड़ी आ चुकी है जो अपने अपने हथियार अपने घर पे रख रखे हैं, या किताबों से जितने दूर आप हो उन किताबों को उठा लीजिए, बुक्स आपकी सबसे प्यारे दोस्त हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, सबसे प्यारे दोस्त हैं, क्लियर है। तो भाई बुक्स को उठा लीजिए, बुक्स पर काम करना शुरू कर दीजिए, जैसे जैसे आप बुक्स उठाते हो अब की बार आपने
ये चीजें पकड़नी है कि हमारी कमियां कहाँ रहती है। अब हम क्या करते हैं, हरियाणा जीके जब पढ़ लेते हैं सारे के सारे बच्चे, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जहाँ पे कमियां होती है, फिर भी हम उनको पूरा नहीं कर पाते और उनको छोड़ के चलते हैं। तो अब की बार आपने एक तो उनको नहीं छोड़ना है, जैसे ही आपका भाई ये तैयारी शुरू करोगे उस टाइम पे पता भी चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो सभी बातों को ध्यान रखना है। अगली एक वीडियो में बना दूंगा भाई कि कौन सी बुक कौन सी पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, पूरे की पूरी स्ट्रेटेजी की बुक किताब बना देंगे, वो एक वीडियो बना देंगे उसके रिगार्डिंग। आज पूरी सर्चिंग करेंगे, सर्च करके ही आपको बताएंगे बच्चे कि आपने कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो मेरे भाई जो मेन बात थी, दिसंबर में सीईटी होने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाइए। 100% होगा, हर हाल में होगा, दिसंबर नहीं तो जनवरी में हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत भाई। थैंक यू।